सागर, जयशीनगर से हमारे संवाददाता मनीराम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पत्रकार पर हुए हमले के विरोध में जयशीनगर के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम थाना प्रभारी को दिया ज्ञापन। जयशीनगर से हमारे संवाददाता मनीराम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पूरे मध्य प्रदेशों में पत्रकारों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। बीती रात सागर जिले के रहली के पत्रकार विकास चौरसिया और उनके परिवार पर राजेंद्र जरौनिया ने अपने 15 से 20 लोगों द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसमें विकास चौरसिया सहित उनके परिवार को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके विरोध में जयशीनगर तहसील के सभी पत्रकारों ने पत्रकार पर हुए हमले के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम थाना प्रभारी जयशीनगर को ज्ञापन सौंपा। रेहली के पत्रकार विकास चौरसिया पे जो असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया गया है, उसके जान से मारने की धमकी दी गई है। हम सब पत्रकार इसकी घोर निंदा करते हैं, भविष्य में शासन से ये मांग करते हैं कि शासन हम लोगों की सुरक्षा प्रदान करे। रायसेन सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता नहीम खान की रिपोर्ट। सीसी रोड का घटिया निर्माण को लेकर व्यापारियों ने नगर परिषद का अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। सुल्तानपुर नगर में पिछले 4 माह पहले बस स्टैंड मेन रोड पर लेकर वार्ड नंबर 1 तक निर्माण किया गया, जो कि ठेकेदार द्वारा घटिया सीमेंट रेत गिट्टी का जिसका उपयोग किया गया, जिसके चलते घटिया निर्माण होने से सीसी रोड की सीमेंट निकालने से गिट्टी उखड़ने लगी। ठेकेदारों की घटिया निर्माण की पोल खुलते देख ठेकेदारों ने रातों रात रोड पर सूखी सीमेंट का छिड़काव करा दिया। सुबह होने पर दुकानदार एवं व्यापारी जब अपनी दुकानें खुली तो चारों तरफ सीमेंट ही सीमेंट नजर आ रही थी। वाहनों के निकलने पर व्यापारियों की दुकानों में सीमेंट और कीचड़ गंदा पानी अंदर जा रहा था। दबंग ठेकेदार द्वारा रोड निर्माण में नालियां भी नहीं बनाई गई थी, जिसके चलते रोड पर दुकानदारों पर घरों पर गंदा पानी पहुंच रहा था, सामने जमा होता था। अब सवाल उठता है कि जिस समय इस ठेकेदार सीसी रोड का घटिया निर्माण नगर पालिका अध्यक्ष महोदय मिले, सीओ महोदय तो है नहीं, वो तो आते हैं कभी नहीं आते, उनका घर का राज है, क्योंकि नगर पालिका जो है इनके घर का राज है, जो समझ में आए वो करना। अब कब आते कब नहीं आते, अभी उनके आने के ऊपर फिर देखें। जब इनसे कहा गया था भाई बता सीओ में कहा है, तो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। इतना घटिया निर्माण है कि उसके आगे जांच करें, और सीओ कौन सी मैडम इंजीनियर मैडम उनको बुलाएं, वो तो व्यापारियों से उनकी बात कराएं और उनका पूरे विवरण दें कि कैसे उनने ऐसा घटिया रोड का उनने पास किया। उनको 3 साल तक उसकी मरम्मत करना है, यहाँ भी कुछ होता है तो वो इसकी पूर्ति करेंगे। और इसमें आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप इंजीनियर मैडम से बात करें, वो इस विषय पे सारी चीज़ें आपको समझा सकते हैं। तो इसमें आगे क्या बजट में 2 महीने पहले रोड का सीसी रोड का निर्माण हुआ है। रोड का निर्माण इस तरीके से किया गया कि उसका स्तर बहुत ज़्यादा निम्न है। रोडों पे गिट्टियाँ निकल रही हैं, हर जगह गड्ढे हो रहे हैं, पानी भरा रहा है, धूल की समस्या इतनी ज़्यादा है। ऊपर से आज उनने अपने गलतियों को छुपाने के लिए ऊपर से सीमेंट का छिड़काव कर दिया। पूरे व्यापारी परेशान है, धूल के कारण सीमेंट सबकी दुकानों के अंदर घुस रहा है, न ब्रेकर का उस रोड पर निर्माण हुआ। रायसेन से सरस शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जय किसान फसल ऋण माफी सम्मेलन रायसेन में। रायसेन के कृषि उपज मंडी प्रांगण में आज जय किसान फसल ऋण माफी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी शामिल हुए। लाभान्वित किसानों को सम्मानित किया और एवं नोडूज फॉर्म दिए गए। रायसेन के कृषि उपज मंडी प्रांगण में आज किसान ऋण माफी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक एवं मध्य प्रदेश सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। उन्होंने लाभान्वित किसानों को सम्मानित किया एवं नोडूज फार्म वितरित किए। वहीं प्रभुराम चौधरी ने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में 14 लाख किसानों के कर्ज माफ करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और लिस्ट भी बन गई है। वहीं रायसेन जिले के 18,000 किसानों को कर्ज माफ हो गया है और फाइनल लिस्ट आए किसानों के खाते में 22 फरवरी से राशि डाली जाने लगी है। रायसेन तहसील में 5,000 किसानों को लाभ मिल गया है। वहीं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी के किसानों ने जो वादा किया था उसे शपथ ग्रहण करने के 2 घंटे भीतर ही पूरा किया और कांग्रेस सरकार किसानों के लिए हर समय उनके साथ खड़ी हुई है। जय किसान फसल ऋण माफी जो योजना है उसके लिए 2 महीने से लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और उन पूरी सरकार के द्वारा जो चल रहा था,
शुरुआत 22 तारीख से हो चुकी है और अभी तक मध्य प्रदेश में 14 लाख किसानों के सूची पूरी तैयार हो गई है जिनको कि नोड्यूज प्रमाण पत्र किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे और हमारे ज़िले में भी लगभग 18,000 का अभी तक क्लियरेंस हो चुका है। सांची विधानसभा में अभी तक 5,500 लोगों का क्लियर हो चुका है। रायसेन